अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब शब्बीर और आज मैं मौजूद हूँ मैशन पे और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना गो टू मेकअप लुक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यूज़ करने लगी हूँ दिस मॉइस्चराइज़र। और पहले मैंने लोशन अपने फेस पे लगा लिया था। मैं हमेशा लोशन लगाती हूँ मेकअप करने से पहले एंड देन ये मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एंड देन प्राइमर लगाती हूँ। तो पहले हम ये लगाएंगी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, उससे आपका बेस अच्छी तरीके से इनर ग्लो आती है फेस पे आपके। ओके, नाउ आई एम गोना पुट माय प्राइमर। और प्राइमर मैं पूरे फेस पर नहीं लगाती, आई थिंक लगता भी नहीं है पूरे फेस पे। तो जस्ट गोना टेक इट ऑन माय हैंड और थोड़ा सा जस्ट यहाँ 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 एंड यहाँ। तो जो ट्रिक मैं आज करने लगी हूँ वो ये करने लगी हूँ कि मैं अपना गो टू मेकअप लुक कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी मीटिंग पे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं फाउंडेशन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करती, ना कोई बीबी क्रीम अप्लाई करती हूँ, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा सा डार्कर टोन में है, ये लाइट नहीं है इतना, थोड़ा सा डार्क है। तो ये मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, और ये मुझे पिम्पल्स निकले हैं नहीं माशाल्लाह, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा और यहाँ 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 यहाँ, जहाँ भी आपको लगता है कि आपके स्पॉट्स हैं थोड़ा सा यहाँ कर, स्पॉट्स हैं वहाँ आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं गीला करके थोड़ा सा, और इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, तो ये वाला कंसीलर हो गया, ये थोड़ा सा डार्क कंसीलर था। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ थोड़ा सा लाइट कंसीलर। ये बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए, मेकअप बिगनर्स लिए बहुत अच्छी चीज़ है मेबेलिन का कंसीलर, दिस इज़ रियली गुड। एंड ये लाइट शेड में मेरे पास जस्ट टू हाईलाइट द फेस। तो आई एम गोना डॉट दिस, ज़्यादा नहीं, ओके, डॉट दिस हियर 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 एंड हियर हियर। इस कंसीलर की अच्छी बात ये भी है कि बहुत ईजीली बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। आप थोड़ा सा इसको नीचे नीचे ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, डन। ओके, अब मैं लगाने लगी हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। और मैं सिर्फ अपनी टी जोन पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, यहाँ वहाँ नहीं लगाऊंगी, ज़रूरत नहीं है आपको। और इसी स्पंज से मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी और अंडर आई सेट कर लूँगी अपना लाइक दिस, और यहाँ। अब मैं अपनी ब्रॉज करने लगी हूँ। इफ़ आई हैड अ ऑप्शन कि मुझे तीन कोई प्रोडक्ट्स अपने बैग में रखने हैं मेकअप के, तो मैं कहूँगी ब्रॉकेट कंसीलर एंड अ लिप बाम, दैट्स इट। और ब्रॉज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मैं किसी और को करने भी नहीं देती हूँ, कहती हूँ मैं खुद करूँगी। कोई मेकअप आर्टिस्ट होना कहते हैं हम कर लेंगे अच्छी, हम कर लेंगे, मैं कहती नहीं मैं खुद करूँगी ब्रॉज, मुझे बहुत। और हमेशा ना थोड़ा थोड़ा आई शैडो लगा भी होता है मेरी ब्रॉज पे, और मुझसे वो पेंसिल्स यूज़ नहीं होती ड्रॉ की, तो मैं ये किट यूज़ करती हूँ जो कि टूट चुकी है पूरी, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से ली थी, और मुझे अभी अफसोस है कि अगर ये ख़त्म हो गई तो मुझे दोबारा कहाँ से मिलेगी। इट हैज़ दिस मिनी ब्रश और इसमें तीन शेड्स हैं, इसमें ब्राउन है, इसमें ग्रे है और ब्लैक है। तो मैं ब्लैक को, ग्रे को और ब्राउन को मिक्स करके जस्ट फिलिंग करती हूँ हल्की हल्की, और जो ये पार्ट होता है यहाँ पे मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ ताकि वो हार्श लुक ना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आपकी आँखें। तो आँखों के लिए मैं यूज़ करूँगी, दिस इज़ अ ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट, तो जो ये शेड है पिंक वाला ये बहुत अच्छा है और ये आपकी यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं फिंगर से लेती हूँ और थोड़ा सा आँखों पर अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत ही प्यारा ग्लिटर सा पिंकी सा शेड है ये, बहुत नेचुरल लुक देता है। आई लव डूइंग मेकअप एंड आई लव मेकअप। ओके, सो थोड़ा सा ये जो लाइटर शेड है ये वाला लेंगे और ये यहाँ पे जस्ट टू हाईलाइट। तो मैं लाइनर लगाने लगी हूँ। लाइनर के लिए मैं कभी वो जो मार्कर्स आते हैं वो यूज़ नहीं करती, आई नो बहुत कन्वीनियंट होते हैं, बट मैं ब्रश और ये जेल लाइनर यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि शाइन नहीं करते, वो शाइन करता है मार्कर। सो जस्ट आँखों के एंड पे
और बिल्कुल आपको ना बिल्कुल इवन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मेल करके लगा सकते हो, तो अगर आप गलत भी लगाओ तो आप पकड़े नहीं जाते। और इससे मैं लेकर थोड़ा सा अपने लाइनर को स्मच कर दूँगी, ब्लेंड ब्लेंड कर दूँगी, हल्का सा मैंने स्मच कर लिया लाइनर को और स्मच हो गया। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्लश, दिस वन ड्रॉप हियर, I love putting blush on my nose. I don't know why. अच्छा लगता है, I think. Cute look आती है. So, yeah, cute. And I'm just gonna blend it one more time with this beauty blender ताकि वो सब एक जगह settle हो जाए. Okay. Now it's time for every girl's फेवरेट थिंग विच इज़ हाईलाइटर, और मैं यूज़ करती हूँ एसेंस का हाईलाइटर, इट्स रियली गुड, थोड़ा सा वो आया हो जाता है। ओके, सो ब्लश के ऊपर थोड़ा सा, अच्छा अब बारी है मस्कारा की। तो सबसे बड़ा मसला जो मेरे साथ मस्कारा में वो ये है कि मेरी लैशेस बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल नीचे गिरी हुई हैं, तो उनको ऊपर उठाना बहुत, कर्ल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सही है लैश कलर मेरे लिए, और मैं 4-5 कोट्स लगाऊं तो वो उठ जाएंगी। सो ये बहुत ज़रूरी है करना मस्कारा करने से पहले। सो आई एम जस्ट गोना कर्ल माय लैशेस एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ एसेंस का मस्कारा। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ गो टू मेकअप लुक, तो मैं सिर्फ जो पाउडर आपकी लैशेस पर लग जाता है या वाइट हो जाती हैं वो सब निकालूंगी। सो मुझे बहुत शदीद आदत है करीब शीशा या मुंह पे घुसा कर मेकअप करने की। सेकंड कोट, और आप चाहें तो थोड़ा वेट करके फिर एक और कोट भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गोना डू वन कोट टुडे। लोअर लैश में मस्कारा नहीं लगाती अपनी, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि मेरी लैश आपस में चिपक रही हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द लिप्स। सो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं बताना भूल गई थी कि आपको लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, वैसे ही अपने लिप्स को भी पहले आप लिप बाम से मॉइस्चराइज करें, उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएं। तो आई एम यूजिंग निविया की चैपस्टिक नॉर्मल, देन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस लिप क्रेयॉन बाय मेबेलिन। एक क्रेयॉन से लिप्स अपने लगाएंगे। अब मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा ग्लॉस, बिकॉज मैट लिप्स मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक नहीं किए, मैंने कभी लिपस्टिक मैट वाली यूज़ नहीं की। अच्छा लिप ग्लॉस है, सो वो कलर थोड़ा लाइट था लिपस्टिक का, ये थोड़ा सा उसको एनहेंस करेगा। गुड, स्मेल्स अमेजिंग, एंड आई थिंक दिस इज इट। एंड में मैं एक और चीज़ करती हूँ, ये है कि मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेती हूँ और एक और दफ़ा पूरे फेस पे हल्का हल्का उसको डैप करती हूँ, ताकि जो कुछ अगर गिरा हो नीचे वो सब निकल जाए। या तो आप, ओ हाँ, इससे नहीं, मैं ज़्यादातर वो इससे करती हूँ, इस मिनी ब्रश से इसको लेकर मैं फिर ऐसे ऐसे अगर मस्कारा कोई गिर गया है तो या कुछ भी गिर गया है, इसको पूरे फेस पे आप कर सकते हैं। ओके, सो आई एम डन, एंड अगर मैं ऐसे हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी शो में जा सकती हूँ, किसी भी शूट पे जा सकती हूँ, कहीं भी मीटिंग पे जा सकती हूँ, और कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ भी जा सकती हूँ। आई थिंक ये मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है हर इवेंट के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैशन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।